नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका ट्रीटमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में इस वीडियो में दोस्तों आज आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कि मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम नी रिप्लेसमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिगामेंट इंजरीज के लिए बनाते रहते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले बात करते हैं कि आखिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है। तो दोस्तों, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि जो हमारा नी है, हमारे नी के अंदर दोस्तों ऊपर वाली हड्डी को फीमर बोलते हैं, नीचे वाली को टीबिया बोलते हैं और आगे वाली हड्डी को बोलते हैं पटेला। इन सब के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है, थिक लेयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक हेल्दी नी का मॉडल है और इसमें ब्लू रंग की कार्टिलेज की कवरिंग दिख रही है। तो जब हम यंग होते हैं तो ये कार्टिलेज की कवरिंग बहुत थिक होती है और हमें चलने फिरने में कोई दर्द नहीं होता। ये हमारे नी जॉइंट को स्मूथ बनाता है ताकि हम स्मूथ चल पाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि ये कार्टिलेज धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज थोड़ा घिस गया है और अब अंदर से बोन हल्की हल्की दिखाई देने लगी है। इसी तरह से जब ये ज़्यादा घिस जाता है तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और बोन ज़्यादा दिखने लगती है। आखिर कार्टिलेज घिसने के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों कार्टिलेज घिसता है? पहला, इडियोपैथिक। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज सेल डाय होते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज सेल घिसने लगते हैं। तो 50-60 की एज में धीरे धीरे कार्टिलेज सेल्स घिसने के कारण आपको नी में दर्द होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये है इडियोपैथिक। दूसरा, चोट, ट्रॉमा की वजह से। अगर आपको प्रीवियसली कभी भी नी में चोट लगी है तो नी में चोट में क्या होता है दोस्तों, कई बार कार्टिलेज में डायरेक्ट डैमेज आ जाता है, उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बार आपकी फ्रैक्चर हो जाते हैं, लिगामेंट टूट जाते हैं, उस वजह से भी फ्रैक्चर होने की वजह से अगर नी के अंदर मालयूनियन आ गया, नी का जो फ्रैगमेंट है, फ्रैक्चर लाइन नी जॉइंट तक में आ रही है और ढंग से रिड्यूस नहीं हुआ और यहाँ पर एक स्टेप डेवलप हो गया, थोड़ा सा मालयूनियन हो गया, तो ये भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कर सकती है। लिगामेंट डैमेज होने के कारण आपके नी में इनस्टेबिलिटी आती है, नी जॉइंट इस तरह से हिलता है। ACL का काम होता है नीचे लड्डी को आगे जाने से रोकना, PCL का काम होता है पीछे जाने से रोकना। तो नी जब जॉइंट जब हिलता है तो भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आती है। कुछ कंडीशन होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, गाउट, इन सब कंडीशंस के अंदर भी आपके नी का कार्टिलेज घिसता है। ओवरवेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है, नी जॉइंट में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो ज़्यादा कार्टिलेज घिसेगा। कार्टिलेज के बीच में दो मेनिस्कस रहते हैं दोस्तों, वो भी ख़राब हो जाते हैं जैसे जैसे कार्टिलेज घिसता है। लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेज नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे और जो आपकी जो थाई की मसल्स है वो अंडर डेवलप्ड है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी नी के डायनेमिक्स ख़राब होते हैं और वो जल्दी कार्टिलेज घिसते हैं। तो जैसा कि आपने जाना दोस्तों कि इतनी सारी चीज़ें हमारे नी को कार्टिलेज को डैमेज कर सकती, आखिर नी कार्टिलेज डैमेज क्या होता है? तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट एक कैप्सूल से सराउंडेड होता है। तो जब हमारा कार्टिलेज घिसता है, चाहे वो उसका रीज़न इडियोपैथिक हो या ट्रॉमेटिक हो या कोई डिजीज के कारण हो, तो जो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं जो घिसे हैं और जो बाकी जो बोन जो घिस रही है, वो आपके नी जॉइंट के अंदर ही अलग अलग जगह जम जाते हैं। इस वजह से आपके नी जॉइंट में छोटे छोटे कांटे नज़र आते हैं अगर हम एक्सरे करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। दूसरा, इसको डायग्नोज करने के लिए स्टैंडिंग एक्सरे लिया जाता है। जब हम नी का स्टैंडिंग एक्सरे लेते हैं दोस्तों, तो अगर हेल्दी नी है आपका तो ऊपर वाली बोन फीमर दिखती है, नीचे वाली बोन टीबिया दिखती है और दोनों के बीच में गैप दिखाई देता है। इस गैप में कार्टिलेज और मेनिस्कस होते हैं। जैसे जैसे आप ये कार्टिलेज घिसते हैं और मेनिस्कस घिसते हैं दोस्तों, उस तरह से गैप कम होता रहता है। जैसे ये घिसा हुआ है तो अभी हड्डी पे हड्डी टच हो गई, तो एक्सरे के अंदर आपको लगेगा कि गैप खत्म हो गया और हड्डी पे हड्डी टच हो गई है। नी कार्टिलेज खराब होने के बाद दोस्तों क्या साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन और सिम्टम? तो दोस्तों, हमारे नी के अंदर जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो घुटने में दर्द होने चालू होता है, क्योंकि हड्डी पे हड्डी टकरा रही है। जैसा देख रहे हैं, हड्डी पे हड्डी टकरा रही है, तो जब चलोगे तो बहुत दर्द होगा, आपके घुटने में स्टिफनेस आएगी, आप चल नहीं पाएंगे, घुटना बेंड करना मुश्किल हो जाएगा, डिफॉर्मिटी आने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों मीडियल और लेटरल दोनों बराबर घिसें, मोस्ट कॉमन मीडियल जो जॉइंट स्पेस होता है, जो अंदर की तरफ का घुटना, वो ज़्यादा घिसता है। ये ज़्यादा घिसता है दोस्तों तो क्या होता है, इस तरह से हमारा नी मुड़ने लगता है, दोनों नी टेढ़े हो जाते हैं, ये होती है डिफॉर्मिटी। कई बार FFD डल हो जाता है, मतलब पाँव मुड़ा हुआ रह गया, सीधा नहीं हो रहा, तो FFD हो सकती है, जीनू वैरम हो सकता है, जीनू वेलगम भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों में। तो डिफॉर्मिटी, पेन, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, डेली एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम होना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के।
जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं आपकी कितनी डिफॉर्मिटी है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, और साथ साथ में एक स्टैंडिंग एक्सरे ले आता है दोनों नी का कंपेयर करने के लिए कि आखिर कितना घुटना हमारा घिस चुका है। ट्रीटमेंट में दोस्तों, अगर आपको ग्रेड 1 या 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है अभी चालू हुई है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो सिंपल एक्सरसाइजेस करने से आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार ठीक हो जाती है। एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले फोकस करते हैं VMO पे, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिगस एक्सरसाइजेस पे। आप एक बार VMO अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप VMO जब स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइजेस में, तो आप साथ में नी स्लीव लगा सकते हैं। आजकल अच्छी स्लीव आती है जिसमें सिलिकॉन का रिंग भी लगा होता है आगे की, जैसे पटेला सिलिकॉन रिंग, वो नी स्लीव पहन के आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं VMO की, आपका घुटने का दर्द कम होगा। VMO एक्सरसाइज के अलावा बहुत जरूरी है कि आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग भी करें। सारी एक्सरसाइजेस दोस्तों लाइट शेड्यूल से चालू होती है, इनिशियली आइसोमेट्री होगी, धीरे धीरे एक्सरसाइज लाइट वेट्स होगी, धीरे धीरे हमें एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। अगर हम वही सिंपल एक्सरसाइजेस जिंदगी भर करते रहेंगे, हमें बहुत ज्यादा फायदा कभी नहीं होने वाला। तो बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइजेस चालू करें और हर 1-1.5 महीने में अपनी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाएं, अलग अलग एक्सरसाइजेज इंक्लूड करें, वेट इंक्रीज करें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आपके नी जॉइंट को हेल्दी रखेगी और पेन फ्री रखेगी। अगर एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आपका नी जॉइंट पेन कम नहीं हो रहा है, तो 3 तरह के इंजेक्शन हम लगा सकते हैं दोस्तों। पहला इंजेक्शन है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब नी में लगाते हैं तो स्टेरॉइड नी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपको 6 से 7 महीने या हो सकता है साल भर के लिए आराम देते हैं। पर ज़्यादा स्टेरॉइड के इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये कई बार लिगामेंट को ढीला कर देते हैं, नी जॉइंट के लिगामेंट को। तो फ्यूचर में अगर नी रिप्लेसमेंट करना है तो उसमें दिक्कत आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड आपने ले रखे हों। दूसरे इंजेक्शन होते हैं जेल के। जेल के इंजेक्शन बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। जब ये लगाते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आपके घुटने के अंदर लुब्रिकेशन कर देते हैं तो दर्द कम होता है और आप साल भर तक आराम से बिना दर्द के चल सकते हैं। तीसरे तरह के इंजेक्शन होते हैं दोस्तों PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये इंजेक्शन सबसे सेफ है। ये इंजेक्शन हम आप ही के ब्लड से बनाते हैं, सो हम आपका ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसमें से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर अलग निकाल लेते हैं। वो PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जब हम आपके नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये जो घिसावा कार्टिलेज है ये इसको रीजनरेट करता है। पर ध्यान लगाने की बात है कि इंजेक्शन इस स्टेज के नी जॉइंट में काम नहीं करता। अगर आपको मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें आपका कम घिसावा है, तो इंजेक्शन का असर अच्छा आता है और हो सकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट बच जाए। अगर आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3rd या 4th में पहुंच चुका है, स्टेज 3rd या 4th में पहुंच चुका है, तो इसके अंदर एक नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन बचता है। सरफेस नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो डैमेज कार्टिलेज है उसको शेव ऑफ किया जाता है, निकाला नहीं जाता उसको। इस तरह से हम सॉकेट बनाते हैं फीमर के अंदर, उसी तरह से हल्का सा कार्टिलेज और बोन निकाली जाती है टीबिया में से, और इस तरह से नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट लग जाते हैं। ये ऊपर वाला नी फीमर, नीचे वाला टीबिया का प्लेट, और इन दोनों के बीच में एक हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथाइलिन का स्पेसर लगता है जो कि वापस आपके नी जॉइंट के गैप को बना देता है। बहुत एडवांस इम्प्लांट आ गए हैं दोस्तों इसके अंदर। आजकल क्रोमियम कोबाल्ट के हो सकते हैं, टाइटेनियम के हो सकते हैं इम्प्लांट्स। साथ में इम्प्लांट्स के ऊपर सिरामिक की कोटिंग्स भी आने लग गई है। सिरामिक की कोटिंग इसको ज़्यादा स्मूथ बनाती है और इसकी लाइफ बढ़ाती है। अगर अच्छा इम्प्लांट लगाया जाए तो 25 से 30 साल तक आपका घुटना चलता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर कई बार ब्लड लॉस होता है ज़्यादा, तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे हॉस्पिटल और एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। हॉस्पिटल इसलिए अच्छी ज़रूरी क्योंकि अच्छा ऑपरेशन थिएटर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो। जनरली नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट की एज होती है वो 60 के आसपास होती है, कुछ लोग उससे भी बड़े होते हैं। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत सारी होती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, थायराइड हो सकती है, और भी कई तरह की बीमारियां होती है इस एज में। तो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेशन से पहले आपको डॉक्टर ढंग से आपकी सारी जांचें करवाते हैं, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हार्ट की जाँच होती है, ईको होता है। एक बार एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको फिटनेस दे देते हैं ये सारी टेस्ट और जो जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसको रिव्यू करने के बाद, तब आपको भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल में। कई बार भर्ती करने के बाद ये सब टेस्ट कराए जाते हैं और फिर फिटनेस ली जाती है। एक बार फिटनेस आ गई, आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो आपको प्लान किया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। दोनों नी रिप्लेसमेंट एक साथ भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट, और स्टेज प्रोसीजर में भी कर सकते हैं। जनरली अगर पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशंस कम है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, एनेस्थीसिया फिटनेस में हाई रिस्क कंसर्न नहीं है, तो दोनों नी रिप्लेसमेंट एक साथ करना फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इससे हॉस्पिटल स्टे बचता है, आपको बार बार में दवाई नहीं लेनी पड़ती। आप एक अगर पैर का कर दिया और दूसरा पैर छोड़ दिया तो पैर की हाइट भी
डिफर करती है तो वो भी नहीं होता। तो अगर दोनों पैर खराब हैं, दोनों घुटने खराब हैं, तो बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट कराने का अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें वन बाय वन सर्जरी की जाती है, साथ में फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, पर कई बार ब्लड लॉस होता है तो आपको एक या दो यूनिट ब्लड लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऑपरेशन से पहले एक्सरसाइजेज अगर आप कर रहे हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज करें ताकि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें और आपको ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइजेज सीखने में कठिनाई नहीं आए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हल्का दर्द रहता है जो चीरा लगा है उसका, सो कठिनाई आ सकती है। इसीलिए अगर आपने पहले एक्सरसाइज सीख रखी हो तो आप इजीली परस्यू कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज। अगर आपके घर में किसी को भी नी में दर्द है या आपको लगता है कि आप कन्फ्यूज हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए या इंजेक्शन लगाने चाहिए या सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप हमें अपने एक्सरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी परेशानियां व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे वाले नंबर पे, और मैं डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपकी घुटनों को ठीक करने का।